अलैकुम, कैसे हैं आप सब? माशाल्लाह से आज रमज़ान 6 हो गया है। रमज़ान इतनी जल्दी जल्दी जा रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा। और अभी बज चुके हैं 3:40 और अभी हम नमाज सोए सोए तो बिल्कुल भी नहीं है, इतना हैक्टिक डे हो गया। और अभी जल्दी से नीचे जाते हैं क्योंकि आज राहिल ने फरमाइश की है उन्हें गोभी की सब्जी खानी है। गोभी वैसे मेरी भी बहुत फेवरेट है, उन्होंने किए तो वैसे बनानी है सहरी में इंशाल्लाह। अब पहले सब्जी बनाएंगे फिर आपसे मिलेंगे। ये देखो भाई, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा रमज़ान का छठा दिन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम आज सोए नहीं हैं। और देखो, 4 बजे मेरे को लेके आ गई और बेवजह के पेड़े बेल बेल के रख रही। आज पहली बार हम दोनों पहले उठ गए, मम्मी नहीं उठी है। देखो मम्मी का रूम ये रहा, तो मम्मी सो रही है और हमारे घर में सभी सो रहे हैं, मम्मी भी सो रही हैं। और देखो 4 बज चुके हैं और आज पहली बार मतलब पूरे 6 दिन में से हम दोनों जल्दी नीचे आ गए। तो अब ये देख रही करूँ क्या। तो ये मम्मी के उठने का वेट कर रही है, उठा नहीं रही जाके। और ना इन द टाइम बीइंग ये बस ये पेड़ बेल रही। देखो नहीं, पराठे खाली पेड़ बेल कर रखेगी। अरे बेटा नहीं यार, चला चलो कोई बात नहीं, बंदो खजूर खाते हैं। बढ़िया खुल जा रहे हैं। मैंने कहा 4 बजने वाले हैं तो हम सोए नहीं हैं, अब बढ़िया खाना वाना खा के फिर सोएंगे। और फिर पूरे ऑफिस में ना कल हैंगओवर रहेगा, अरे भाई सोए क्यों नहीं, सोए क्यों नहीं। ऑफिस में क्या करेंगे? अबे यार सुबह मेरी तो 9:30 बजे की मीटिंग हो रही है। मेरी 10 बजे की। चलो कोई बात नहीं, झेल लेंगे। अब खजूर खाओ, बढ़िया ये लो। तो वही सा है सीधा, फोकस ही नहीं हो रहा। हो जाए फोकस, नाश्ते करते हैं। ओ हो गया फोकस, लो भाई खजूर खा, सीधा रख के आ रहे हैं आपके लिए। देखो अभी 4 बज चुके लेकिन उल्टा कोई भी नहीं है। ये देखो पराठे बेल बेल के रख रही है एक के ऊपर एक, उसको बना नहीं रही। क्या कर रही है आज? क्या कह रहे थे नहीं बनाऊंगी, बनाए ना। हम बना तो लिए लेकिन ये सेक क्यों नहीं रही इसको? अरे मम्मा उठेंगी तो सेक। कौन से वाले 5 पराठे बना कर दी? मैंने 5 नहीं है, 8 है। 8 है? 8 है भाई, और बना रही है। ये 8 है। मम्मी का वेट कर रही है, उठाई कि नहीं जाके हैं बस। मैंने अभी मम्मा उठ कर नमाज पढ़ रही है। मम्मा भी, मम्मा उठी भी नहीं अभी। उठ गई, उठ गई मम्मी, उठ गई मम्मी, उठ गई मम्मी। के रूम की लाइट जलती है, मम्मी वो बाहर आ रही हैं। ये देखो ये फटाफट पराठे बेलने में लगी हुई। अपनी अलग खुशी बोलने में लगी हुई। यास्मीन क्या कर रही है? मम्मी आ जाओ। उठ गए ना आपसे पहले आज हम? उठे कि नहीं उठे? उठ गए ना, जरूरत नहीं पड़ी फोन करने की। लो भाई सब लोग उठ चुके हैं, फाइनली इसने पराठे बनाना स्टार्ट कर दिए। लेकिन जला दिए यार उस्मानी यार, ये जला हुआ होता है मेरे को सही नहीं। इसने एक साथ तो बेल ली सारे पराठे, उसके बाद बनाना स्टार्ट कराए मम्मी को उठने के बाद। हाँ सही है, खैर जल्दी जल्दी बनाओ, टाइम कम है अपने पास। देखिए जल गया, वही सच्ची में जल गया यार। देखना कमेंट में, कमेंट में लोग बोलेंगे ऐसे तुमने जला दिया। एग्जैक्ट लाइक वो था ना अपना कोफ्ता। आलू गोभी की सब्जी बन चुकी है, इसे स्पेशल थोड़ा सा गार्निशिंग कर देते हैं धनिया की। इधर मम्मा बना रही है हाफ फ्राई, सेट हो चुकी है रेडी। पहले जल्दी से सहरी कर लेते हैं, बहुत लेट हो चुका है, 4:30 ऑलरेडी हो चुका है। जल्दी से सहरी करते हैं फिर मिलते हैं। हाँ जी भाई लोग, 6 बजने वाले हैं, सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। और ये देखो हमारा ऑफिस का वर्क चल रहा है। ये बेटी यास्मीन, हाय कहो। वालेकुम सलाम। तो ये हमारा ऑफिस चल रहा है, अभी पूरा तो नहीं हुआ है लेकिन पूरा करना पड़ेगा, बिकॉज रोजे का टाइम भी पास में आ रहा है।
ये रहा मेरा लैपटॉप, ये दूसरा लैपटॉप, और मैंने जस्ट अभी मीटिंग लेके ख़त्म करी है। तो अभी हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि भाई आज क्या बनाओगे, और जो है अगर टाइम नहीं है तो मुझे बताओ, मैं कुछ बाहर से जाके ले आता हूँ। बाहर से ले आओ। नहीं आप तो आप साथ रहेंगे। सबसे बढ़िया चीजें बाहर से ले आओ। बाहर से ले आए? क्या चलो लेकर देखते आओगे हैं, लेकिन अब आप बताओ क्या मतलब ला सकता हूँ मैं। पता नहीं यार, अभी चलो चलो एक बार, थोड़ा अभी अभी चेक क्या करते टाइम भी हैं। इतना नहीं है कि साला अपन कुछ ऑर्डर कर सकें ऑनलाइन। देखो इतना मतलब अपने पास अभी बफर नहीं है कि हम कुछ ऑर्डर करेंगे, तो आई थिंक आधा घंटा लगेगा है ना पूरा का पूरा, वो चीज़ है। चलो खैर जो भी है, अभी फ़िलहाल अभी डिसाइड करते हैं और मतलब देखते हैं कि भाई यहीं कुछ बना रहे हैं या बाहर से लेके आ रहे हैं। बाहर से ही ला रहे हैं। कब तक काम हो जाएगा पूरा आपका? अभी 10 मिनट 10 मिनट और हैं, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि क्या करना है आगे। तो भाई आज हम सबका चाउमीन खाने का मन कर रहा है, लेकिन बनाने का टाइम किसी के पास भी नहीं है, तो इसीलिए आई डिसाइडेड कि चलो आज कुछ सामान बाहर से लेके आते हैं। तो मैं फटाफट जाता हूँ और चाउमीन लेकर आता हूँ। चलो भाई, मैंने चाउमीन पैक कराने के लिए बोल दिया है, अभी कम से कम 5 मिनट बाद चाउमीन पैक करेंगे। ये देखो हमारे एरिया की खास बात है कि आपको बाहर निकलते हाथी मिल जाएंगे बहुत सारे। हाँ जी मम्मी, क्या बन रहा है स्पेशल? आज बना रही हूँ मैं गोभी के पकोड़े। गोभी के बन रहे हैं क्या आज? जी। अरे वाह नाइस, गोभी के पकोड़े। ये लो भाई गोभी के पकोड़े आज खाएंगे मस्त मम्मी के हाथ के। ओहो ये आज आप बना रहे हो क्या? तब्बू बनाते हैं हमारे अब्बू की ड्यूटी मैंने ले लिया। हाँ बढ़िया। तो कल था हमारा मोहब्बत का शरबत और आज सिर्फ सिर्फ और सिर्फ शरबत है। नहीं नहीं मोहब्बत हट गया आज, आज सिर्फ शरबत है रोबे वाला। चलो बाकी देखते हैं कैसे बनाती हैं यासमीन, पहली बार ही बना रही हैं। पहली बार बना रही है मतलब अब्बू बनाते हैं ना रोज। हाँ। ये बोल रहा हूँ मैंने अब्बू से सारी चीजें पूछ ली है। सही है लिख लिया। चलो ये है गोभी के पराठे, पराठे पराठे गोभी के। ये यार मम्मी है गोभी के पकोड़े, गोभी के पकोड़े नहीं बटन शाबाश। गोभी हरी मिर्च प्याज इसमें मैंने डाला है, फूल गोभी, हरी मिर्च और हरा धनिया, प्याज और कैप्सिकम, शिमला मिर्च और इसके अलावा बेसन और बिल्कुल पानी, बेसन बहुत कम डाला है। अच्छा। और चाट मसाला, मोटा धनिया, नमक, लाल मिर्च, पानी तो खैर डालना ही है। अरे बस करो, ओके क्या क्या करेगा? उसको सबको मिक्स लिख लो भाई, लिख लो सब, लिख लो नोट बना के। उसको मिक्स करके और है ना थोड़ी देर भिगो दिया 10 मिनट के लिए बेसन को। लिख लो फटाफट, और अगर फिर भी समझ में आया तो मम्मी को कॉल करना, वो समझा देंगी तुम्हें। उसके बाद इसको फ्राई कर रहे हैं। ग्रेट। ये रही हमारी आज की मेन डिश है ना, कस्टर्ड विद फ्रूट्स। सही नाम बोला क्या मैंने? फ्रूट कस्टर्ड। यार बात तो वही है ना यार, आगे बोलो पीछे बोलो। और ये वेनिला कस्टर्ड है। हाँ और क्या हुआ था मतलब लास्ट टाइम जो था वो मैंने कहा था थोड़ा सा इसको थिक करना है ना, तो अभी देखो मतलब बिल्कुल आइसक्रीम जैसा बनाई है, राइट? हाँ बिल्कुल थिक कंसिस्टेंसी। हाँ ठीक है ना। और वो लास्ट टाइम वो कल क्या था वहाँ पे परमार्ट के अंदर? वो बटर स्कॉच फ्लेवर था वो लायन। हाँ, कल लेके आया। मैंने कल ही देखा कि उसमें इस कस्टर्ड में भी 3-4 फ्लेवर आते हैं। हाँ तो एक बार वो भी लेके आना, वो भी बनाएंगे और आई थिंक वो भी काफी अच्छा लगेगा। चलो भाई इसको ट्राई करेंगे और देखते हैं कैसा बनाएंगे। ले भाई ये निकल रहा है हम लोगों के लिए और ये रख रहे हैं हम मज़र के लिए। मज़र कल आएगा, देखो उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट हो गई। तो ये टिफ़िन ऑलरेडी मज़र के लिए रख दिया गया है और ये जो है अलग अलग कटोरियाँ जो है हमारे लिए है। ले भाई जो मेन चीज़ थी वो तो भूल ही गए हम आज की, निकालो फटाफट चाउमीन। अच्छी पैकिंग वैकिंग तो पैकिंग क्या अच्छी जगह से लाए हैं। ये क्या बात हुई? आई थिंक गर्म करने की नीड तो नहीं है। गर्म बहुत। हाँ तो इसको निकाल लो ऐसे ही, ठीक है सही है ना? यू गोना लाइक इट। इसको पैसे वो कर लेना ना हल्का सा स्टैंडर्ड। और सॉस यूज आवर वन, ओके नॉट दिस वन। आई डोंट नो ये कौन सी कंपनी की है। नहीं सॉस नव्या पता नहीं है, ये कंपनी है। नव्या नव्या के सॉस भी आते हैं क्या?
सही है क्या? नहीं नहीं। हाँ तो ये मत लो, अपनी वाली लो, वो ज्यादा सही है। और जो है ना, आ जाओ बाहर जल्दी से, डन ना सब कुछ, आ जाओ। हाँ भाई बताओ, रिव्यू टाइम, कैसा बना है मम्मी का कस्टर्ड आज? बहुत अच्छा है ना, जबरदस्त। कौन सा फ्लेवर है बताओ? बहुत स्वाद। कैसा लगा आपको मम्मी आपका बनाया हुआ, कैसा लगा आपको? नहीं अच्छी बनाया, देखो भाई देखने में भी अच्छा है और खाने में भी अच्छा है। और ये रही हमारी चाउमीन, ये भी अच्छी तैयार है ना। एक उससे मैंने कहा था कि स्पाइसी कर दे, फिर भी उसने बहुत कम वो करा है मसाले वगैरह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज इफ्तार में हम इतना ज़्यादा मिल नहीं पाए हैं क्योंकि आज मेरी थोड़ी मीटिंग्स थी, इफ्तार के बाद भी थोड़ी मीटिंग्स रह गई थी, उन्हें कंप्लीट किया, उसके बाद हम किचन में बिज़ी हो गई थी। मैं अभी ऊपर आए हैं, उसके बाद अब बच चुके हैं 10:30 हो रहे हैं, हम नीचे जाते हैं, खाना खाते हैं, फिर आते हैं और यहाँ राइल लेटे हुए हैं, कुछ तो कर रहे हैं, पता नहीं कुछ काम कर रहे हैं, ऑफिस का तो नहीं करते। अभी हम नीचे खाना खाने जा रहे हैं, मम्मा ने आवाज़ लगा दिया, पहले खाना खाएंगे फिर ऊपर आएंगे। अगर वॉक करने गए आज तो वॉक करके आपको दिखाएंगे। चलिए अब नीचे चल रहे हैं, नाइल को उठाते हैं। चलो जी अब नीचे चलते हैं, लो आ जाओ, चलो नीचे, मम्मा आवाज़ दे रही है। अरे क्या हो गया? लो आ जाओ, मम्मा बुला रही है खाना खाने। क्या चलो करने के लिए? खाना खाने। क्या बनाया? खाने में बने हैं आज मुर्ग मुसल्लम, चिकन चंगेजी, बिरयानी और शीरमाल। इमरान खान के बैठा हूँ क्या मैं? आज सब्जी बनी है, नो डाउट थी, बट वो सब्जी में क्या? नहीं नहीं नहीं, चिकन भी बना है, चिकन भी बना। अच्छा, हाँ, ओके। चिकन और भिंडी की सब्जी और शायद सहरी में कुछ और भी बनेगा और तो कुछ नहीं और चलो आप चलो, मैं आ रहा हूँ। नहीं नहीं अभी चलो, साथ चलो। नहीं नहीं यार, दो मिनट में आ रहा हूँ ना, अभी चलो। मानती नहीं है लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। चलो बस कर यार, चलो चलो इसको। हाँ चलो ना, थक जाते हैं भाई रोजा खोलने के बाद। लेट्स गो, इसको हम बहुत जल्दी चेंज करने वाले हैं। आई नो कि लुकिंग अच्छी नहीं आ रही है यहाँ की, ये सब लाइटों वाइटों का फर्स्ट सब कुछ फीका पड़ रहा है इसकी वजह से। तो इस रेक को, इस पूरे कबाड़े को हम जो है अभी चेंज कर देंगे। और ये जो है, ये हमारा गर्मियों का वो है कि भाई ताकि फ्रिज का पानी हमें अभी नहीं पीना है क्योंकि मौसम थोड़ा बीच का ही है, इसलिए हमने इसको रख रखा है। तो ये टेम्प्रेरी, डोंट वरी अबाउट दैट, कुछ ही दिनों में ये भी मैं हटा दूंगा और ये भी हटा दूंगा। तो ये स्टेयर्स का जो लुक है वो पूरा सिंपल और सीधा आएगा, बड़ा प्यारा सा। ठीक है चलो जी, हाँ प्लांट्स भी लगा देंगे इंशाल्लाह। हाँ जी मम्मी, क्या खिलाओगी आज? आज मैंने भिंडी बनाई है आपके लिए। और चिकन बन रहा है। और सहरी में क्या खिलाओगी? अब सहरी की सहरी में बताऊंगा। अच्छा ऐसा, चलो निकाल दो फिर खाना खाते हैं। अभी खाना खाओ और ना सुबह बताऊंगी सहरी में। ओके हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हमारा रमज़ान का डे 5 कंप्लीट हो चुका है और अभी रोज़ा खोले हुए हम लोगों को एक घंटे से ऊपर हो चुका है, चाय भी पी ली है और अभी एक ऑफिस की मीटिंग में ले चुका हूँ ऑलरेडी। अभी मतलब टाइम मेरे ख्याल से 11:30 या 12 हो चुके हैं, लेकिन अभी मेरा मीठा खाने का मन कर रहा है और मेरे ख्याल से अभी हलवाई वगैरह सारे बंद हो चुके हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ भाई क्या करें, मतलब क्योंकि मुझे खाने के बाद थोड़ा बहुत मीठा चाहिए होता है। तो अभी ऑप्शन यही है कि यासमीन से पूछते हैं अगर वो कुछ बना सकती है इस टाइम पे या फिर सहरी के लिए तो काफ़ी बेटर रहेगा, लेकिन मेरा तो बहुत ज़्यादा ही मन कर रहा है। चलो एक बार पूछते हैं भाई, अगर जगरी होगी तो बना देगी वरना कोई बात नहीं। चलो भाई एक बार देखते हैं, सो गई है जगरी है। नॉक नॉक, आई एम कमिंग। क्या कर रही हो? रील रील रील, बस यही है यूट्यूबर्स का यार, क्या करें, कोई बात नहीं। हाँ बस अभी वो तो हो गया, अभी 1 घंटे का और बचा हुआ है अभी। अरे वो छोड़ो ना, मेरे को थोड़ा मीठा खाना है यार, मीठा। हाँ इस टाइम पे मैं ले आता अभी काजू कतली, लेकिन अभी क्या है बहुत लेट हो गया है तो आई थिंक अभी तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बताओ क्या बनाऊं, क्या खाऊं? मुझे नहीं पता, जो गर्मी बनाती बना दूं उसमें तो वो टाइम टेकिंग हो जाएगा। आई नो यू कैन नॉट डू इट,
तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। देख लो हलवा वगैरह बना लो अगर हो तो थोड़ा बहुत। हलवा? हाँ वो अपन ने खाया दिल्ली में एक बार, याद है हलवा परांठा काइंड ऑफ कुछ था चांदनी चौक के अंदर, वो चीज बना लो एक बार यार, मतलब हो जाएगा ना वो घर में इस टाइम पे। हाँ तो क्या हुआ? शहरी में क्या अभी? अरे यार शहरी में मजा आएगा हलवा परांठा। अरे शहरी में मेरे को नींदों में रहता हूँ मैं यार। नहीं नहीं अरे अभी आ जाओ ना, अभी पक्का बना लेंगे। मम्मी भी जग रही है अभी, आई थिंक थोड़ी देर सोने वाली फिर वो। मुझे नींद आ रही है। अभी कर लेंगे ना, नाटक करिए यार। जाऊँ फिर मैं? जाऊँ मैं नहीं खा। उठो फिर, उठो हाथ दो, उठ जाओ, चलो लेट्स गो। दोनों बनाएंगे साथ में, मैं बैठूंगा किचन के अंदर और आप बनाना। बैठ हो गया आप? लेकिन पक्का पक्का पट्टी के ऊपर बैठ जाऊंगा। ठीक है हाँ, चलो हाथ दो, लेट्स गो। हाँ भाई हो गया रेडी? अभी तो सूजी भून रहे हैं। ये बात मानी मैंने। हाँ हाँ पक्का पक्का, ठीक है ना अभी बना लेते हैं, सहरी में खा लेंगे, थोड़ा सा खा लेना अभी। ठीक है देखो जी, जब तक ये हलवा भुन रहा है, एक चीज़ बहुत प्यारी सी, ऐसे हस्बैंड होने चाहिए जो रात में अगर बीवी को कुछ खाने के लिए उठाते हैं, ऑर्डर करें तो ऐसे प्यार से बैठे भी रहें। रीजन ये है ना, टर्की नीचे आने में इसलिए। नहीं नहीं आप बहुत प्यारी हो इसलिए, चलो पास में बैठ जाएं। थैंक यू। और जो है काम तो ये कि देखते रहो उसको बनते हुए। लेकिन थैंक यू आप नीचे ऐसे बैठे हुए मेरे साथ, जब बन जाए जब खा लेंगे। आई होप कि आपको सारे व्लॉग्स बहुत पसंद आ रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम इसको कंटिन्यू करें तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप कमेंट कीजिए और प्यार बरसाते रहिए। इंशाल्लाह ये जो सीरीज़ चली है रोज़ व्लॉग्स डालने की, ये हम कंटिन्यू रखेंगे, बरकरार रखेंगे। मिलते हैं आपसे कल की सहरी के अंदर। अलेक्सा गुड नाइट। A very good night to you. بذلك حست غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحذر.